नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीएस से रिलेटेड। जी हाँ, लेबर ला की हम बात करेंगे, क्योंकि भाई लेबर ला आप लोगों के जितना पक्ष में होगा ना, तो कंपनी उतनी ही ज़्यादा आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी। आपने देखा होगा, आप यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं, फिर भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या सैलरी की आती है। जी हाँ, यहाँ पे हम आपको बात बताएंगे कि आपका कंपनी का मालिक, आपका मालिक, आपका नियुक्ता, कोई भी आपकी कंपनी, कोई भी एक्सपायर्ड हो सकता है, अगर वो आपको समय पे तनख्वाह नहीं दे तो उसके खिलाफ में क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आपको नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक लिया जाता है। हाँ, पता होना चाहिए सिस्टम के, जैसे कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है तो मोहरे को पता होना चाहिए, तो उसके खिलाफ में क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसको डरते हुए उसको पूरी सैलरी समय पर आपको देनी होती है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज़ आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, समय पे आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल हो गया, ऐसी कोई पेंडेमिक महामारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कंपनी हो, या आप कहीं पर भी आप जॉब कर रहे होते हैं, एक्स वाई जेड कोई इशू नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक का ही बात नहीं करेंगे, ऑलराउंडर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके कंपनी के पास में, आपके मालिक के पास में 20-30-50 वर्कर हैं, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो आपको तनख्वाह नहीं दे पाता है, वो आपको संतुष्ट भी कर लेगा, देखो यार बिजनेस मेरा ठप पड़ा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूँ, तो आप मान भी लेते हो, जी ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दुबई का लेबर लॉ है ना, एक्ट बना है 2016 में, धारा 8 में, वो नहीं मानता इन बातों को। वो बोलता है कि वर्कर को तनख्वाह दे, चाहे अपने आप को बेच, चाहे अपनी प्रॉपर्टी को बेच, चाहे कुछ भी बेच के बंदों को तनख्वाह दे, क्योंकि ये बंदे यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए हैं, तेरी ये बातें सुनने के लिए नहीं आए कि बिजनेस में लॉस हो गया इस वजह से तनख्वाह नहीं दे सकता। डोंट मैटर, तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए मैं बता दूँ, अगर आपका मालिक आपको 60 दिनों के अंदर तनख्वाह नहीं दे, जैसे 100 वर्करों से कम, बहुत सारे लोगों के पास 100 से कम ही होते हैं मैं मानता हूं जहां तक, तो आप काम करते हैं तो 60 दिनों के उनको 60 दिन यानी 2 महीने के दौरान आपकी बकाया तनख्वाह नहीं मान देगा, तो वो उस उल्लंघन माना जाएगा। कानून 56 है, तो 2016 में बना है 56 आर्टिकल में, वो उसका उल्लंघन माना जाएगा। 100 से कम जो वर्कर रखता है उसको 60 दिनों की मोहलत मिलती है, 60 दिनों के दौरान वो तनख्वाह नहीं देता है तो प्रति व्यक्ति उसको 1000 दुबई दिराम का तो फाइन लगेगा। जी जी हाँ, बातें बता दूँ, अनुच्छेद 37 में बताई गई है कि 1000 प्रति व्यक्ति उसको दराम में जुर्माना चुकाना पड़ेगा, उसकी शिकायत होगी, उसके खिलाफ केस किया जाएगा, उसको भी मिल सकती है, जुर्माना भी मिल सकता है, भविष्य में उसको आगे परमिट प्रतिबंध किया जा सकता है। जी हाँ, यानी उसको आगे परमिट रिन्यू में प्रॉब्लम उसको आ सकती है, या फिर वो चाहता है कि हम कोटा और ले। कई बार ऐसा होता है ना कि एक कंपनी को साल में 50 लोगों का कोटा मिलता है, हर साल वो 50-50 मिलता रहता है, तो इस तरह से अगर पिछले वालों को वो तनख्वाह नहीं देगा तो फिर कोटा मिलने में फायदा क्या, और आदमी बढ़ाएगा उनको भी तो पगार नहीं देगा, इसलिए उसके कोटा में जो परमिट का कोटा होता है लिमिट ईयरली, उसमें भी उसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोर्ट में कहने का मतलब यह है कि आपका मालिक, आपका कंपनी कोई भी हो, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समय पे वर्करों को तनख्वाह उसको देनी होती है। समय का मतलब ये होता है कि भाई जैसे 30 दिन लास्ट हो गए, तो उसके आगे वाले 10 दिन के अंदर उसको कंप्लीट सैलरी देनी होगी। अगर वो तनख्वाह नहीं देता है तो इस कानूनों का उल्लंघन करता है, वो दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है, पर वर्कर के हिसाब से 1000 दुबई दराम उसके खिलाफ में जो जुर्माना हो लगाया जा सकता है, और वो जो मैंने बताए बाकी वो प्रोसेस होता ही है। तो आप कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं, आपको तनख्वाह नहीं मिले, तो आप ये प्रोसेस आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वो आपको संतुष्ट कर लेगा, यार देखो पगार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये देखो बैंक अकाउंट, भाई कुछ भी नहीं बता, जहाँ का है वहीं से मंगा ले, इंडिया का है तो इंडिया से अपने घर से मंगावाना पैसा, वर्कर हैं तेरे पास 10-15, उनको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 60 दिन में अगर आपको पगार नहीं मिले, 100 वर्करों से नीचे वाले कंपनी मालिकों की मैं बात करूँ तो उनके खिलाफ में आप शिकायत कर सकते हैं, उसको झक मार के आपको आपकी सैलरी देनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल देनी पड़ेगी, वरना उसका उसके जो मैंने बताए उसकी सजा, जुर्माना, केस वगैरह, वो तो प्रोसेस चलता ही है। दुबई लेबर लॉ एक्ट 2016 बना है, उसमें प्रावधान किया गया है 739 की धारा में। जी हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।